राज्य का पीएचई विभाग लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए विभाग की ओर से रियासत के तीनों संभागों में कई योजनाओं पर काम चल रहा है। जम्मू की 16.5 लाख की जनसंख्या के लिए रोजाना 65 मिलियन गैलन की आवश्यकता है और विभाग के पास मौजूदा संसाधनों से केवल 47 मिलियन गैलन पानी ही उपलब्ध होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए 19 ट्यूबवेल का निर्माण किया गया। कश्मीर घाटी में 70 लाख के करीब जनसंख्या है, जिसमें श्रीनगर सहित 41 अन्य शहर हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 26 लाख के करीब है। इसके अलावा अन्य जनसंख्या के लिए 202 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं। जम्मू संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत 800 योजनाओं पर काम चल रहा है। घाटी के ग्रामीण हलकों में साफ पानी की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा 741 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं और जिनको पूरा करने के लिए 1541 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस वर्ष 220 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 98 वाटर सप्लाई स्कीम्स को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इन योजनाओं के मुकम्मल होने से 188 बस्तियों के करीब 83,000 लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। लद्दाख में भी लोगों को साफ सुथरा पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत 22 योजनाओं पर काम चल रहा है, जो इसी साल शुरू हो जाएंगी। सिंचाई के ढांचे के सुधार के लिए भी विभाग ने कई योजनाएं शुरू की है। इनमें 2 योजनाएं प्रमुख है, जिनमें मेजर और दूसरी माइनर योजना है। विभाग का लक्ष्य है 88,033 हेक्टेयर रकबे को पानी उपलब्ध करवाना। इस तरह माइनर योजना के तहत 2,654 योजना उपलब्ध है और इसमें 426 योजनाओं पर काम चल रहा है। कश्मीर घाटी में भी सिंचाई के लिए 175 योजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं के तहत अलग अलग जिलों में काम हो रहा है। इस वर्ष विभाग के पास 64 योजनाओं का लक्ष्य था, जिसमें विभाग ने 56 योजनाओं को पूरा कर लिया है। विभाग ने बाढ़ नियंत्रण के लिए भी प्रोजेक्ट बनाया है, जिस पर 2,083 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट पर कई चरणों में काम होगा, जिसके पहले चरण के लिए 3,99,00,000 रुपए मंजूर हुए हैं और उस पर काम भी चल रहा है।